हाइगन्स प्रिंसिपल है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें, मैं पढ़ देता हूँ, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैंने शीट लिखी है और मेरे को 50 लोगों को समझाना भी है, मुझे मालूम है कि समझाने के लिए कम से कम मेरे को तो आना ही चाहिए, और मेरे को सीखने के लिए ये दो लाइनें इतनी भी छोटी नहीं है जितनी लिखी गई हैं। इसमें है कुछ बात, मैं आपको इन दो स्टेटमेंट्स को बहुत शॉर्ट में 2 मिनट में समझाता हूँ ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और फिर मैं इन स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, आपको सब समझ में आएगा वो क्या बोल रहा है, अभी नहीं आएगा। तो देखो, हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज करो आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, ये रहा एक पॉइंट सोर्स, ठीक है, इस पॉइंट सोर्स ने लाइट को हर तरफ प्रोपगेट करने, तो ये मान लो लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स हैं, ये ब्लू कलर पे जो भी पार्टिकल्स आएंगे, ब्लू कलर पे जो भी पार्टिकल्स आएंगे दे आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, तो आपको इसका वेव फ्रंट की शेप क्या नजर आएगी, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर निकालता है, स्फेयर पहला तो बहुत छोटा निकलेगा एक्चुअल में तो सोर्स के पास से, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे को सभी स्टूडेंट को दिखाना है। तो मान लो ये पहला वेव फ्रंट है, मान लो ये पहला स्फेयर बना, हालांकि स्फेयर तो बहुत अंदर से बनना शुरू हो जाएगा, पर मैं समझाने के लिए ये पहला वेव फ्रंट है। पहले वेव फ्रंट को बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। तो पहला वेव फ्रंट जो पैदा होगा, जो सोर्स ने जनरेट किया, वो आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो इसका नाम क्या है ब्लू कलर का, दिस इज योर प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब ये इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताने जा रहा हूं, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट, इसके ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर ले लो, दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। मतलब अभी तो एक सोर्स था, अब वो कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये नया सोर्स हो जाएगा डिस्टर्बेंस का, ये भी लाइट को जो है एमिट करना शुरू कर देंगे। कैसे, ऐसे, ये देखो, ऐसे इन ऑल डायरेक्शंस, ऐसे ऐसे, राइट, और ऑब्वियसली ये ऐसे आएगा, फिर आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, मतलब जैसे वो पानी में रिपल्स नहीं होते, ऐसे ये क्या पैदा कर रहा है, एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट हर तरफ डिस्टर्बेंस को पैदा कर रहा है। पहले तो सिर्फ यही कर रहा था और अब सारे पॉइंट ये सेम चीज कर रहे हैं, क्लियर है यहां तक। और ये जो इनको रिपल्स नहीं बोलते, पानी में रिपल्स बोलते हैं इन्हें, लेकिन इसमें लाइट में इन्हें बोलते हैं वेवलेट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, वेवलेट्स, वेवलेट्स। वेव फ्रंट ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर के सारे क्या हैं, वेवलेट्स हैं। तो ये वेवलेट्स हैं, हाँ, अपने अपने डिस्टर्बेंस शुरू कर देंगे, तो ये वेवलेट जनरेट कर रहे हैं। तो हाइगन कहते हैं कि जो ये वेवलेट्स बनाएंगे, ये तो आगे 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 बबल्स की तरह वो आगे आगे होते जा रहे हैं, स्फीयर बनते जा रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम इन वेवलेट्स के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो और एनवेलप बना दो, इन्हें पैक कर दो, तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ये देखो नया वेव फ्रंट तैयार हो गया, तो इसका नया वेव फ्रंट आ गया, इसका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्राइमरी से सेकेंडरी आ गया। अब फिर कहानी रिपीट है, कहानी ये रिपीट है कि अब जो ये जो वेव फ्रंट बना सेकेंडरी, ये क्या करेगा, ये एमिट करेगा फिर से वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सपोज, ये लो, और तुम अगर इसके ऊपर फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये लो टेंजेंट, तो क्या बनेगा, एक नया वेव फ्रंट। तो हर सोर्स वेवलेट, वेवलेट का टेंजेंट वेव फ्रंट, फिर वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स वेवलेट्स, वेवलेट का टेंजेंट वेव फ्रंट, ऐसे लाइट ट्रेवल करती है। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, 3×10^8, इतनी तेज चलता है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं इस डेफिनेशन को, इस चीज को समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, ये लो लाइट्स बंद करना प्लीज, लाइट्स बंद करना प्लीज, ये लो।
So what does the principle say? Well, according to Huygens, every single point on this wavefront is an ether particle which is oscillating pretty much with the same frequency as the original wave, and it starts producing its own spherical mini waves. So here's what it says. Remember that there is ether particle everywhere, and the ether particles on this wavefront, they're all oscillating. They're all moving back and forth as we saw in the animation. And as a result, he says that every single one of them is going to produce its own mini ripples, own mini waves. He calls them secondary waves. So this is going to produce its own secondary wave. This is going to produce its own secondary waves. So all of them are going to produce their own secondary waves. Now, since it's a little hard to draw, I've already drawn it nicely. So this is what it would look like. And you have to draw that for all of them. And there are infinitely many, because every point he asks us to assume it to be a particle oscillating and producing its own secondary waves. So these are all our secondary waves. And then he says, you draw a common tangent to all these secondary waves, a common envelope. So if I use a different color, do that. A common envelope might look somewhat like this. This common envelope, according to him, a common tangent, that represents the new. So he says, this is our new wavefront. Again, let me show you an animation so you can see it better. So here is our current wavefront. And these are the ether particles which are going to oscillate and act like a point source giving out secondary waves. I've not drawn all of them, there are infinite as many, okay? And notice, these secondary waves keep expanding. And a common tangent to all of them, that now represents a new wavefront. So if I draw a common tangent over here, that common tangent would be our new wavefront. And the same thing would hold true for some other shape as well. So if I take, let's say, a plane wavefront, again, these are our ether particles oscillating and they're giving out secondary waves. And notice if the waves are going towards the right, this now common tangent will represent our new wavefront. So this method works for any shape of our wavefronts. The particles will always give you spherical ripples, and the common tangent will give us the new wavefront. And if you're now a little bit curious, you might have some questions like, why are we drawing the common tangent only on one side? Why not on the other side, for example? Well, Huygens would say, well, because we know in which direction the waves are traveling. We know the waves are not traveling backwards, so we'll ignore them. But you can ask why. And Huygens doesn't have an answer for that, and that's one of the drawbacks over here. But you could have more fundamental questions like, why does this method even work? I mean, why are we drawing a common tangent? Why does that work? These are some great questions that you can try to... ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे वेवफ्रंट बनता है, इतना सफिशिएंट है. ठीक, इसने एक बात कही, पहली बात इसने कही कि ये सोचने वाली बात है कि हम जो टेंजेंट है वो आगे की तरफ ही ड्रॉ कर रहे हैं, पीछे नहीं कर रहे, क्योंकि उसने कहा कि वेव हमेशा आगे ट्रैवल करती है, पीछे ट्रैवल करती नहीं. पर वैसे इंटरफेरेंस होती है लाइट की, वो आपस में कैंसिल होती रहती हैं, जिस वजह से ये कैंसिलेशन के ना फैल रहा है, इस तरीके से बाहर जा रहा है. तो ये लाइट निगलेक्ट इग्नोर कर दी जाती है जो पीछे की होती है, थोड़ी होती है, पर ज़्यादातर लाइट कहाँ ट्रैवल करती है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो उसको इग्नोर करते हुए हम आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं, राइट. तो डायग्राम क्लियर है यहाँ तक? ये डायग्राम के बाद लाइट्स लाना. तो इस डायग्राम के बाद अब अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लें, अब समझ में आएगा. एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, दैट इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. वो डायग्राम भी समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है. तो हर कोई पॉइंट नई डिस्टर्बेंस है, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स. ये जो गोल गोल बन रहे थे येलो कलर के, वो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम. और सेकेंड पॉइंट है, सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें इन वेवलेट्स के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट गिव्स अ न्यू वेवफ्रंट एट दैट इंस्टेंट, तो वहां पर एक नया वेवफ्रंट बनेगा, और इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट. ये पक्का बहुत चांस है आपके सीबीएसई बोर्ड में लिखने को आए, एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट मार्क करें.